A particle is moving in a circle of radius r with constant speed v. If radius is double, then its centripetal force to keep the same speed should be. तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे करके एक सर्कुलर मोशन तुम्हारा एग्जिबिट किया जा रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन एग्जिबिट किया जा रहा है, और इसका यहाँ पे जो तुम्हारा टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट है, दैट टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट इज इक्वल टू वी, और इसको बैलेंस करने के लिए अंदर की तरफ में जो तुम्हारा फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू योर सेंट्रिपिटल फोर्स, और सेंट्रिपिटल फोर्स जो है स्टेशनरी फ्रेम से अगर देखेंगे तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है. और यहाँ पर क्या बोला गया है कि इफ रेडियस इज बीइंग डबल्ड, ठीक है, तो आर टू इज इक्वल टू टू आर हो जा रहा है, ठीक है, आर टू इज इक्वल टू टू आर हो जा रहा है. तो ऐसे में जो तुम्हारा न्यू सेंट्रिपिटल फोर्स है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू एम, ठीक है, वी टू स्क्वायर अपॉन, तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू आर, और इस केस में तुम्हारा क्या ले लिए, इस केस में वी टू इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी कॉम्पोनेंट, ठीक है. तो ऐसे में क्या बोला गया है कि इफ रेडियस इज डबल देन इट्स सेंट्रिपिटल फोर्स टू कीप द सेम स्पीड शुड बी. तो यहाँ पर अगर तुम्हारा स्पीड अगर सेम हो दोनों केस में तो सेंट्रिपिटल फोर्स के रिलेशन में तुम्हारा क्या चेंज आएगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोला गया कि एफ टू शुड बी इक्वल टू वी, तो यहाँ से सॉरी वी टू इज इक्वल टू वी, तो यहाँ से ऐसा कर लो दैट वी टू स्क्वायर को लिख सकते हैं इज इक्वल टू टू आर इन टू एफ टू अपॉन एम, ये हो गया इक्वेशन टू मान लो, और यहाँ से लिख सकते हैं दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इन टू आर अपॉन एम, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा इक्वेशन वन. और वी टू इज इक्वल टू वी है क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इट शुड कीप एट सेम स्पीड, तो वी टू इज इक्वल टू वी, इसका मतलब वी टू का स्क्वायर शुड ऑल्सो भी इक्वल टू वी का स्क्वायर. तो वी टू स्क्वायर का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो तो क्या हो जाएगा, टू आर इन टू एफ टू अपॉन एम इज इक्वल टू वी का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू एफ इन टू आर अपॉन एम. तो यहाँ देखो आर एम ये कैंसिल हुआ, तो एफ शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ टू, ठीक है. तो बेसिकली द न्यू सेंट्रिपिटल फोर्स, एफ टू वॉज योर न्यू सेंट्रिपिटल फोर्स ना, तो एफ टू इज इक्वल टू एफ अपॉन टू, तो न्यू सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल सेंट्रिपिटल फोर्स. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज बींग हाफ्ड. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम.